दिल्ली से सटे हरियाणा के मूरथल में मशहूर सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये खबर सामने आने के बाद उन लोगों में हड़कंप मच गया है जो अक्सर यहाँ खाना खाने के लिए जाते रहे हैं। बीते रविवार को ही यहाँ गाड़ियों की करीब 1.25 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। आपको बता दें कि मूरथल में यूपी, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हजारों लोग खाना खाने आते हैं। खासतौर पर वीकेंड पर यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। अब सभी लोग कोरोना टेस्ट करवाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर हाईवे पर बने तमाम ढाबों में लॉकडाउन समाप्त होते ही जैसे ही भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने यहां काम करने वालों की जांच कराई, जिसमें एक ही ढाबे में 65 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई। सुखदेव ढाबे के 350 कर्मचारियों का टेस्ट करवाया गया था। ये कर्मचारी दूसरे प्रदेशों से यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि दूसरे ढाबों पर काम कर रहे कर्मचारियों का भी टेस्ट करवाया जा रहा है। सर, ढाबों की बात करें, वहाँ भी टेस्टिंग की गई, कितने मिले, किस ढाबे पर मिले हैं? ये जो जानकारी अभी मिली है हेल्थ ऑफिशियल से, तो उसके अनुसार सुखदेव ढाबे से जो मुलाजिम जो काम करते हैं वहाँ पे, तो उसमें 65 लोगों को कोरोना पॉजिटिव उन्होंने अभी हमें जो सूचना दी उसके अनुसार 65 लोगों को कोरोना। भारत में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को एक दिन में 83,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में दर्ज केसों के मामले में सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में कोरोना ने 1,096 लोगों की जान भी ले ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 83,341 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में कुल मामलों की संख्या 39,00,000 को पार कर गई है। अब कुल केस हो गए हैं 39,36,748। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 8,31,124 हो गई है। इस बीच रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 66,659 मरीज ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर अब तक करीब 30,37,152 लोग बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। रिकवरी रेट 77.14% चल रहा है। कोरोना महामारी ने भारत में अब तक कुल 68,472 लोगों की जान ली है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा केस हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। लेह लद्दाख के दौरे पर गए इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात थोड़े नाजुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर एहतियातन फौज की पर्याप्त तैनाती कर दी है, ताकि हमारी सुरक्षा और अखंडता पर कोई आंच न आए। सेना प्रमुख ने कहा कि लेह पहुंचने के बाद मैंने अलग अलग जगहों पर ऑफिसर से बात की और हालात का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि चीन के साथ तनाव के बीच भारत की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आर्मी चीफ 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। Well, the situation along the LAC is slightly tense. Keeping in view of the situation, we had undertaken some precautionary deployments for our own safety and security, and these deployments we undertook along the LAC so that our security and integrity remain safeguarded. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत का समर्थन किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अगर शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की धमकी दी है तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि वो कंगना के साथ खड़े हैं। हाँ, मतलब कंगना रनौत सुशांत के केस में सही बयानबाजी कर रही है और शुरू जो उन्होंने जो सही बातें रखने की कोशिश की है, तो संजय राउत हमारे मित्र ही है, वो शिवसेना के लीडर भी है, प्रवक्ता भी है, सामना के संपादक भी है। मुझे लगता है कि भाई अगर उन्होंने धमकी दी होगी तो ये बात अच्छी नहीं है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने धमकी दी क्या ना नहीं थी, लेकिन कंगना रनौत का अगर कहना है कि भाई संजय राउत ने धमकी दी थी, तो ऐसी धमकी देना बिल्कुल ठीक नहीं है।
और वो ये बोल रहे कि भाई ये क्या जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है क्या, जिस तरह आतंकवादी वहाँ आकर धमकी देते हैं उसी तरह मुंबई क्या जम्मू एंड कश्मीर बन गया है क्या, इसी तरह का सवाल जो उन्होंने उठाया है इसमें बहुत बड़ा अर्थ है। और संजय राउत ने इसी तरह की बातचीत करना ठीक नहीं है, मुंबई छोड़कर तुम जाओ इसी तरह की बयानबाजी अगर उन्होंने की होगी तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, ये धमकी देने का काम है। और इसलिए मैं संजय राउत के बयान का मैं भी विरोध करता हूँ और कंगना रनौत के साथ हम सब लोग हैं, सुशांत के केस में उनकी फैमिली के साथ हम सब लोग हैं, इसकी इंक्वायरी ठीक ढंग से होनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी चल रही है और कंगना रनौत को धमकी देना बिल्कुल ठीक नहीं है। गुजरात के राजकोट में निकाय चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हार्दिक पटेल ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन करवा लिया, इनमें 20 बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं जबकि 4 नेता हैं। गुरुवार को नगर बोर्डिंग में सरिस्ता ग्रहण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकोट मार्केटिंग यार्ड ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कमानी और सामाजिक कार्यकर्ता चंदनी लिम्बसिया भी कांग्रेस में शामिल होंगे। हार्दिक पटेल ने कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों से परेशान होकर राजकोट महानगर पालिका के बीजेपी पार्षद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री राजकोट से आते हैं और जनता के प्रति काम करने में विफल साबित हुए हैं। कई बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे, गुजरात के नवनिर्माण के लिए कांग्रेस का साथ देंगे। हार्दिक ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के चीफ सीआर पाटिल ने पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सौराष्ट्र में रैली की, जिसके चलते कई आम लोग बिना वजह कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो गया है, वो बीजेपी से भागकर अब कांग्रेस में आ रहे हैं।